बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, ध्यान है साथियों, वो दिन कौन सा था? वो 6 दिसंबर का दिन था साथियों। और ये 6 दिसंबर का जो दिन है, ये इन मनुवादियों ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने बहुत सोच समझकर जानबूझकर चुना था, क्योंकि बाबा साहब को खत्म करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन ये कभी भी परम पूज्य बाबा साहब को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब एक शरीर नहीं है, बाबा साहब एक विचार है, बाबा साहब एक व्यक्तित्व है, बाबा साहब एक आंदोलन है, बाबा साहब एक संघर्ष है, बाबा साहब एक संघर्ष की प्रेरणा है, ज्ञान का भंडार है, तभी उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है। और बाबा साहब को ये जितना खत्म करने का प्रयास करेंगे, उतना ही बाबा साहब और मजबूती के साथ स्थापित होते चले जाएंगे। लेकिन इनकी कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा खतरा अगर कोई है मनुवादियों को, या यूं कहो कि आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, तो केवल और केवल परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से है। बाबा साहब के ही विचार हैं जो इस देश में करोड़ों लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, अपना रास्ता चुनने की प्रेरणा देते हैं, जो करोड़ों लोगों के लिए सर्वस्व बलिदान करने की प्रेरणा देते हैं, इंसान जीवन में तरक्की कर सके, इंसान जीवन में आगे बढ़ सके और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम कर सके, ये उसी के लिए है साथियों। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये उसी के तहत हो रहा है साथियों। लेकिन ये कुछ भी कर लें, ये अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। माना हमारी बर्दाश्त करने की सीमा बहुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो मन में आएगा करते चले जाएंगे और हम उस सब को बर्दाश्त करते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है साथियों। हाँ, हम जानते हैं कि जिस षड्यंत्र के तहत आप ये कर रहे हो और जिस षड्यंत्र के तहत आप समाज को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि हम आपके जाल में फंस जाएं और जाल में फंस के आपके उकसावे की कार्रवाई में आके, और हम लोग कोई भी ऐसा कदम उठाएं जो न केवल समाज के लिए बल्कि देश के लिए भी घातक हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीजें बार 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 होती रहीं और पूज्य बाबा साहब के सम्मान को ठेस लगाने की कार्रवाई रुकी नहीं, तो फिर हमें भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इससे कोई ये ना समझे कि अगर हम किसी तरह से शांत हैं तो हम किसी तरह से कमजोर हैं। हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हैं, हम कमजोर कभी भी नहीं हैं। जिनके साथ में बाबा साहब खड़े हों, भगवान बुद्ध खड़े हों, वो कमजोर कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। हम कभी कभी कमजोर नहीं हैं। हां, यह बात जरूर है कि हमारी सहन शक्ति ज्यादा है और हम उसी सहन शक्ति की वजह से बहुत सी चीजों को बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी हालत में देश के किसी भी भाग में किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई हो जिससे देश का माहौल बिगड़े, समाज में कोई दिक्कत खड़ी हो, इसलिए हम शांत हैं। लेकिन ये कायराना हरकतें जिन्होंने की हैं, वो भी इस बात को पूरी तरह से समझ लें कि हम तुम्हारे नापाक इरादों को कभी कामयाब होने नहीं देंगे और हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के सम्मान पर कभी आंच आने नहीं देंगे। हम खुद मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन किसी कीमत पर बाबा साहब के मान सम्मान पर, उनकी विरासत पर आंच नहीं आने देंगे। तो
तो मेरा उन सबसे उन सबको ये खुली चेतावनी है जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है, ये कायराना हरकतें, ये ओछी हरकतें, ये घटिया हरकतें, ये षड्यंत्र बंद करो और देश की तरक्की में अपना दिमाग लगाओ। जितना दिमाग, जितनी कोशिश तुम देश को बर्बाद करने में, देश में हिंसा फैलाने में, देश में दंगे फैलाने में लगाते हो, अगर इतना दिमाग देश की तरक्की के लिए लगाते तो देश वाकई में दुनिया में नंबर वन हो गया होता। लेकिन तुम वो नहीं करते। पर हम भी आपको बता देते हैं कि एक सीमा है, वो सीमा जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन तुम किसी भी बिल में घुस जाओ, बच नहीं पाओगे। मैं ये खुली चेतावनी आपको दे रहा हूं, इसलिए ये हरकतें बंद करो, बिल्कुल बंद करो। और महाराष्ट्र सरकार से मेरा निवेदन है, महाराष्ट्र सरकार ने अच्छा किया है कि उन्होंने तुरंत FIR दर्ज की है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वहां के गृह मंत्री का भी बयान आया है कि उन्होंने FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के नाम पर सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहे। नहीं, इन्वेस्टिगेशन इतनी स्पीड से, इतनी तत्परता से की जानी चाहिए और इतनी मजबूती से की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपराधी जो बाबा साहब के घर हम लोग कानून के शिकंजे में हो, पकड़े जाएं और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई केवल एक घर पे हमला करने की नहीं है, वहां सामान तोड़ने की नहीं है, केवल बात इतनी सी नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा बड़ी। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण अभी दिया कि जब 1992 में 6 दिसंबर को 12 बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया, उसे तोड़ा गया 6 दिसंबर को, तो 6 दिसंबर का दिन क्यों रखा गया? क्योंकि 6 दिसंबर का दिन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। उस दिन उन्होंने इस धरती पर उनके शरीर ने अंतिम सांस ली। इसलिए जो 6 दिसंबर का दिन है हमारे लिए बहुत पूजनीय और श्रद्धा का दिन है। हमारे लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का दिन है, संकल्प लेने का दिन है। इसीलिए इन्होंने उस दिन को चुना ताकि इस दिन को बाबरी मस्जिद के विध्वंस और काले दिवस के रूप में ये बदनाम कर सके और लोगों का ध्यान बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस से हटकर दूसरी तरफ चला जाए। इस तरह से ये बाबा साहब का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये जान ले, ये कभी भी इस कोशिश में कामयाब नहीं होंगे। बाबा साहब का नाम छोटा नाम नहीं है, बाबा साहब का नाम आज की तारीख में इस दुनिया में जिस तरह से बड़ा होता चला जा रहा है, जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि एक दिन पूरी दुनिया में बाबा साहब का नाम हर देश में लिया जाएगा और लोगों के हक के लिए लड़ने वाले ज्ञान के प्रतीक के रूप में लोगों को उनका हक दिलाने के लिए संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा और बंधुता के लिए ये बाबा साहब का नाम दुनिया में याद किया जाएगा, बड़े सम्मान के साथ में लिया जाएगा। तो बाबा साहब के नाम को खत्म नहीं कर सकते ये लोग जो ये कायराना हरकतें कर रहे हैं। बाबा साहब इस ब्रह्मांड में, केवल इस धरती पर नहीं, इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही बहुत मजबूत पूरी तरह से स्थापित एक सितारा है, एक बहुत जबरदस्त ग्रह हैं। आप उन्हें ऐसे ही उनका नाम खत्म नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे निवेदन है, मेरा समाज के साथियों से निवेदन है, साथियों ये बात जो मैं कह रहा हूं ये बात आप भी कहो, ये बात समाज के हर व्यक्ति को, हर जागरूक हमारे साथी को, इस देश के हर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे को मानने वाले व्यक्ति को
खूब जोर से कहनी चाहिए, दूर दूर तक फैलानी चाहिए, ताकि ये बात दुनिया के कोने कोने में फैल जाए और जो लोग किसी भी वजह से ये हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक सबक हासिल हो कि किसी भी हालत में ऐसा दुस्साहस करना नहीं, अन्यथा बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के मानने वाले इस देश में वो आंदोलन खड़ा करेंगे कि उस आंदोलन की आंधी में तुम्हारा पता नहीं लगेगा कि तुम कहां गए। इसलिए उन लोगों को जगाने की कोशिश मत करो, उन लोगों को उकसाने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारे नापाक इरादों से वाकिफ हैं, पूरी तरह से वाकिफ हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, फिर मैं जो महाराष्ट्र सरकार उससे निवेदन करता हूं कि आप भी यह समझ रहे होंगे कि जब महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, उसी समय यह सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये फैलाने की, ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश है कि इनके समय में भी बाबा साहब और उनका समाज जो है वो सुरक्षित नहीं है। ये तो हम भी मानते हैं कि समाज हमारा और बाबा साहब को मानने वाले किसी भी सरकार में सुरक्षित नहीं है, पर फिर भी मेरा महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है, आपने एफआईआर की है, बहुत अच्छी बात, इतनी तत्परता से इन्वेस्टिगेशन करें कि अपराधी बच नहीं पाए और जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लाकर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और साथियों, समाज के लोगों से मेरा निवेदन है, आप सारी चीजें देख रहे हैं, एक के बाद एक लगातार समाज पर हमला हो रहा है, गरीबों पर लगातार हमला हो रहा है, दलितों की बहन बेटियों पर लगातार हमला हो रहा है। और मुसीबत यह है कि इस कोरोना के संकट के समय में कहीं आना जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और बार बार मैं ये आप लोगों को कहता हूं, जगाने का प्रयास भी कर रहा हूं कि कहीं भी हो, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, आपको अपनी मदद जो है स्वयं करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और जैसा बाबा साहब ने कहा है, मैं समझता हूं अगर हम उस चीज को मान लें कि अगर हम लोग बाबा साहब की शिक्षाओं को वाकई में अगर हम मानते हैं, उन शिक्षाओं को ईमानदारी से मान लें, तो हमें जल्द से जल्द बौद्ध हो जाना चाहिए, हमें जल्द से जल्द बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि हमें ऐसा नहीं कि 10-20-50-100 के रूप में हम जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, करोड़ों की, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में हमें एक बौद्ध बड़ा जबरदस्त सम्मेलन करके बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए साथियों, तभी जब हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे। और आपको ध्यान है कि बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में जब वो किताब लिखी बुद्ध और उनका धर्म, उनका एक यही मकसद था कि हम बौद्ध हो जाएं। और मानिए आप, जिस दिन हम बौद्ध हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के किसी भी स्मृति चिन्ह पर, उनकी किसी भी धरोहर पर, उनके सम्मान पर कोई उंगली भी उठाकर देख सके। हमें यह होना पड़ेगा साथियों, देर सवेर हमें समझना पड़ेगा साथियों। हमारे साथी जो कहते हैं कि अगर हम पे ये हुआ तो हम ये हो जाएंगे, ये सारी चीजें बंद कीजिए और ईमानदारी से इस बात पर जितनी जल्दी हो सके गंभीरता से सोचिए कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके बौद्ध धर्म को ग्रहण करें। आज की तारीख में अगर मैं बहुजन समाज की बात करूं, 100 करोड़ बहुजन समाज है, और ये पूरा बहुजन समाज जिस दिन बौद्ध बन गया, उस दिन इस देश की सारी आप देखेंगे फिजा ही बदल जाएगी, इस देश का रंग रूप बदल जाएगा, ये देश वाकई में दुनिया में नंबर वन हो जाएगा। हमें इस पर सोचना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मैं बहुत कड़े शब्दों में इस बात की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं जिन लोगों ने कारण हरकत की है। और परम पूज्य बाबा साहब के घर राजगृह जो बंबई के दादर में है, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको तोड़ा है, जो वहां पर और संपत्ति है, गमले वगैरह और जो चीजें हैं उनको तोड़ा है हमला करके, वो लोग ये कारण हरकतें भविष्य में न करें, सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और साथियों से निवेदन है, गुस्सा हम सब में है, इसका विरोध जरूर हमें करना है, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना है और कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है जिससे माहौल बिगड़े। हमें
कानून पर थोड़ा सा विश्वास करके चलना है, देखते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करती है। और इसके सबके बावजूद भी ये सारी चीजें जारी रही तो फिर हम सब मिलकर करेंगे और इसका जबरदस्त प्रतिकार करेंगे, प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। साथियों बस मुझे आपसे इतना ही कहना है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और खुद भी वीडियो बनाकर डालिए कि बाबा साहब के घर पर जो हमला हुआ उसे बर्दाश्त किसी सूरत में नहीं किया जाएगा। जय भीम, नमो भारत।